हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्वनी वर्मा और आप देख रहे हो हाई फाई सिविल इंजीनियरिंग। तो गाइस, यदि आप बीटेक के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर आप गेट का एग्ज़ाम दे चुके हो और उसका एंट्री रैंकिंग कार्ड आपके पास आ चुका है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा जाके एमटेक करने लग जाते हैं और टीचर वगैरह बन जाते हैं या फिर और कुछ करने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा गलत डिसीजन होता है, ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती स्टूडेंट्स को, इस वजह से होता है। तो गाइस, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपके लिए होती हैं लेकिन आप मिस कर जाते हो। तो एग्ज़ाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी हाईली रिस्पेक्टेड कंपनीज होती हैं जो आपको सीधा जॉब ऑफर करती हैं विदाउट एग्ज़ाम, सिर्फ आपकी रैंक की बेस पे और बिना किसी इंट्रेंस टेस्ट के, और एक छोटा सा इंटरव्यू होता है सिर्फ उसी के बेस पे। और मिनिमम सैलरी पैकेज की बात करें तो 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक का आपका मिनिमम सैलरी पैकेज होता है। तो ये मोनू भैया और यहाँ पे पूजा मैम इस जॉब को लगता मिस कर जाएंगी। यदि आप भी इनमें से कोई एक हो जिन्हें नहीं पता है हम क्या क्या और कर सकते हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और सारे डाउट आपके इसी वीडियो में शायद से क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट बचता तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। एंड इस टाइप की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज़ पर डे गेट से रिलेटेड, बीटेक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स लेके आते रहते हैं और क्रैश कोर्स भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो बात करते हैं फर्स्ट कि जो जॉब हैं वो कैसी मिलती हैं। कुछ PSU कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां आपको सीधा ही जॉब प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनियां होती हैं BHEL, NTPC, GIAL एंड BSNL एंड ONGC। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेते हैं इन कंपनियों की, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। ये कुछ फुल फॉर्म्स दे रखी हैं यहाँ पे इन कंपनियों की। आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसेस ये होता है कि आपको HR डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना होता है और वहाँ पर अपनी रैंक लेके जानी होती है, रैंक जो कार्ड होता है आपके पास वो लेके जाना होता है, और आपका थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है रिज्यूमे का, वो आपको लेके जाना होता है। मतलब आपका पूरा क्राइटेरिया उसमें लिखा होता है कि आपने आपकी स्किल क्या है, आपका नाम क्या है, आपका बायोडाटा वगैरह, मतलब सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं आपका, मतलब 10th 12th वगैरह BTech से लेके जितना भी आपकी एजुकेशन है उसके बारे में वो लेके जाना होता है। और बस उसी के बेस पे और 97% आपकी रैंक के बेस पे वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। और यदि आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हो, हायर स्टडी करना चाहते हो, तो आप इंडिया में रह के और अब्रॉड जाके भी पढ़ाई कर सकते हो। आप MTech कर सकते हो, MS कर सकते हो, ME कर सकते हो, PhD कर सकते हो। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन एक टीचर का होगा, लेक्चरर का होगा, प्रोफेसर, बिल्डर एंड इंजीनियर का होगा। एंड बात करते हैं अब्रॉड जाके आप स्टडी करोगे उसका कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो एक नेसेसरी है, उसे हम नहीं हटा सकते। बाकी आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए, आपके पास जो गेट रैंकिंग है आपकी उसका कार्ड आपके पास होना चाहिए, और एक लेटर आता है जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। उस लेटर में लिखा क्या होता है, दरअसल उसमें ये लिखा होता है कि जो ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ है इतनी परसेंटेज के साथ, और इसने अपना पूरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में किया है। बस इतना लिखा होता है, ये ही मांगा जाता है उस लेटर में। और यहाँ पे एक होता है SOP, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब आपको एक छोटा सा लेटर खुद से लिखने के देना होता है, उसमें मेंशन करना होता है प्रोसेस में कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कुछ एक छोटा सा कारण बताना पड़ता है कि मैं इस वजह से अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं MBA भी कर सकते हैं हम फ्रेंड्स, हम MBA कर सकते हैं। मुंबई में एक यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू, ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑल इंडिया 20th रैंक करती है ये यूनिवर्सिटी, का नाम है NITI। एंड इसकी मिनिमम सैलरी होती है यहाँ से पास आउट होने के बाद 4 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक की आपकी मिनिमम सैलरी होती है। जब आप यहाँ से पास आउट होके जाओगे, आपको खुद से
बाहर से कंपनी आएंगी, आपको खुद लेके जाएंगी और इतनी सैलरी भी देंगी, इससे ज़्यादा, ये तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है आपको, 10 लाख के आसपास भी मिल सकती है। और बात करते हैं फोर्थ, यहाँ पे हम फॉलोशिप कर सकते हैं फ्रॉम IIM। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ PhD होती है, ये फुल कोर्स होता है 5 साल का। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 20 लाख रुपए होती है, मतलब 20 लाख रुपए मिनिमम होती है, इससे ज़्यादा भी आपको सैलरी मिल सकती है। तो देखो इस बात पे कितनी खुश हो गई हैं मैम कि आपको हाई भी कर रही हैं। तो इस बात पे एक लाइक बनता है दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आप ऐसी नोटिफिकेशन से बिल्कुल भी ना छूटो। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।